फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल डिलीवरी की आ गई डेट। भारतीय ब्रह्मास्त्र से लैस होगा चीन का पड़ोसी। फिलीपींस को भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी शुरू होने जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइल की पहली बैच शुक्रवार 19 अप्रैल को फिलीपींस के लिए उड़ान भरेगी। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17, ग्लोबमास्टर और IL-76 के जरिए फिलीपींस के क्लार्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचाया जाएगा। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली बैच की डिलीवरी की तारीख का खुलासा हो गया है। भारत का ब्रह्मास्त्र कही जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 19 अप्रैल को फिलीपींस पहुंचेगी। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर और रूसी IL-76 परिवहन विमानों के जरिए फिलीपींस पहुंचाया जाएगा। ये विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर से उड़ान भरते हुए फिलीपींस पहुंचेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल दक्षिण चीन सागर के विवादित इलाकों में चीन की आक्रामकता को नियंत्रित करने में मदद करेगी। शुक्रवार को फिलीपींस पहुंचेगी ब्रह्मोस मिसाइल। यूरेशियन टाइम्स ने भारतीय वायुसेना के अनाम अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि ब्रह्मोस मिसाइलें भले ही शुक्रवार को फिलीपींस पहुंच जाएंगी, लेकिन इसका पूरा सिस्टम अगले सप्ताह तक एक्टिव हो सकता है। ब्रह्मोस से इंटीग्रेट होने के लिए फिलीपींस सशस्त्र बलों का प्रशिक्षण कुछ समय बाद होगा। मनीला बुलेटिन ने डिलीवरी से जुड़े एक सूत्र के हवाले से कहा कि क्लार्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली के आगमन की संभावित तारीख 19 अप्रैल है। ब्रह्मोस मिसाइल को क्यों खरीद रहा फिलीपींस, सूत्र ने कहा कि भारतीय मिसाइल प्रणाली कथित तौर पर चीनी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए आ रही है की पुष्टि की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि फिलीपींस की सशस्त्र सेना AAFP ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी से उत्साहित है। AFP और राष्ट्रीय रक्षा विभाग DND ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। हालांकि फिलीपीन सेना दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को फिलीपीन मरीन कॉर्प्स PMSE में शामिल करने को लेकर उत्सुक थी। फिलीपींस की सेना ने क्या कहा? फिलीपींस सेना के प्रवक्ता कर्नल फ्रांसिल मार्गारेथ पाडिला ने कहा, हम तब तक टिप्पणी नहीं कर सकते जब तक कि क्षमता मिसाइल हमें नहीं सौंप दी जाती। जैसे ही उपकरण औपचारिक रूप से फिलीपींस सेना को सौंप दिया जाएगा, हम विवरण प्रदान करेंगे। वहीं सार्वजनिक मामलों के कार्यालय के प्रमुख कर्नल जेरेक्सेस त्रिनिदाद ने कहा, हमें उम्मीद है कि इसे इसके उपयोग के लिए तुरंत फिलीपींस सेना को सौंप दिया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल संचालन की ट्रेनिंग ले चुकी है फिलीपीनी सेना। 17 फरवरी 2023 को 21 फिलीपींस मरीन के एक बैच ने नई खरीदी गई ब्रह्मोस एंटीशिप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संचालन और रखरखाव पर केंद्रित व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा किया। प्रशिक्षण 23 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच हुआ। शोर आधारित एंटीशिप मिसाइल सिस्टम के ऑपरेटर प्रशिक्षण के समापन समारोह में भारतीय नौसेना के नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल राधाकृष्णन हरिकुमार ने अंतरिम मिसाइल बैच और पिन वाले बैच प्रस्तुत किया। फिलीपींस ने ब्रह्मोस की 3 बैटरियों की खरीद की। ब्रह्मोस की बिक्री सरकार से सरकार G2G सौदे के माध्यम से की गई है। इसमें 3 मिसाइल बैटरियों की डिलीवरी ऑपरेटरों और अनुरक्षकों के लिए प्रशिक्षण और आवश्यक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सपोर्ट ILS पैकेज शामिल है। एक एकल मिसाइल बैटरी में आमतौर पर 3 मोबाइल स्वायत्त लॉन्चर होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 2 या 3 मिसाइल ट्यूब होते हैं। साथ ही इसके ट्रैकिंग सिस्टम भी होते हैं। पश्चिम फिलीपीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच फिलीपींस के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए होराइजन 2 प्राथमिकता परियोजनाओं के तहत ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली का अधिग्रहण किया गया है। दोस्तों, ऐसी और भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।